किसानों को अपनी जीत के नीचे कुचला, उसके घर से कामना चला, जरिए पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है। उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला। यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने परीक्षा दी। आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं मुफ्त में कुछ मिला। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास करें। क्या हुआ? क्या अब जब मैं लगाई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने पूरा प्लान बनाया था, पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें ये था कि एक कमीशन बनेगा और जितनी भी ये जो जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने पूरा प्लान बनाया था। तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कहना चाहती हूँ, देखो चुनाव फिर से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क में बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका तो किसके घरों पे चलता है, किसके घरों पे चलता है, गौर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीत के नीचे कुचला, उसके घर से कामना चला, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया उसके घर से बुलडोजर चला, जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला नहीं चला ना? सोचिए, ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखावे के लिए, ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती, जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ आपको, मैंने उस समय भी बोला और अभी भी बोल रही हूँ, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में 10 सालों में मिला क्या है। नौकरी मिली, दुकान जाते तो सब्जी खरीद पाते हो, आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है? तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा, और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है, आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो मेरे देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला।
हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा।